हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे खड़ी बोली का आरंभिक रूप या खड़ी बोली का शाब्दिक अर्थ क्या है, किन किन अर्थों के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ देखेंगे कि किस प्रकार खड़ी बोली के आरंभिक रूप के साथ साथ दक्कनी हिंदी का निर्माण आरंभ हुआ और दक्कनी हिंदी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उर्दू भाषा का में काव्य रचना आरंभ हुई और किस प्रकार हिंदी कविता की दो शैलियों का निर्माण उसमें वल्ली जैसे कवियों द्वारा आरंभ किया गया। खड़ी बोली, जब हम खड़ी बोली शब्द के प्रयोग की बात करते हैं तो इसका प्रयोग मूलतः दो अर्थों में किया जाता है। एक तो मानक हिंदी के रूप में, जिसे तीन शैलियों में उस समय विभाजित किया गया था, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, और दूसरा लोक बोली के लिए, जो कि दिल्ली मेरठ के आसपास वाले क्षेत्र के लिए उस समय में बोली जाती थी, जिसका मुख्य रूप कोरवी के नाम में भी प्रयोग होता था, जिसे पुराने क्षेत्र में कुरु जनपद कहा जाता था, जो कि राहुल साकेत्यान ने इस बोली को कोरवी नाम दिया है। जब हम खड़ी बोली नाम की बात करते हैं कि खड़ी बोली का नाम किस तरह पड़ा होगा, यह विवाद विषय विवादपूर्ण है, क्योंकि मूलतः जब हम खड़ी शब्द के शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं तो उसका अर्थ होता है खरी, इसका अर्थ है शुद्ध। लोगों ने इस बोली को साहित्य में प्रयोग करते समय जब अरबी फारसी शब्दों को निकालकर इसे शुद्ध रूप में प्रयोग करना आरंभ किया, तो हो सकता है इस कारण इस बोली का अर्थ खड़ी बोली कहा गया हो, या फिर फलस्वरूप इसे खड़ी बोली कहा गया हो। इसका अन्य अर्थ यह हो सकता है कि खड़ी का अर्थ होता है खड़ी होना, और खड़ीपाई के प्रयोग के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ा हो। पर जब हम मिस्टर चटर्जी की बात या फिर कामता प्रसाद आदि जैसे कवियों की बात बोलते हैं तो उनका कहना यह है कि कर्कश यह बोली ब्रज भाषा की तुलना में कर्कश थी, अतः इसका नाम ब्रज पड़ा। ब्रज भाषा ओकारांत प्रधान थी तथा खड़ी बोली अकारांत प्रधान है, ये कारण हो सकता है। और किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अकारांत की खड़ी पाई ही यही कारण है जिसके कारण भाषा का नाम खड़ी पाई पड़ा, जब खड़ी भाषा बोली पड़ा। जब वेली की खड़ी बोली का बात करते हैं तो उनका अर्थ है प्रचलित या चलती हुई, या अर्थ ब्रज भाषा को पीछे छोड़कर आगे निकलने वाली भाषा। इसी प्रकार गिलक्राइस्ट ने खड़ी का अर्थ बताया है मानक या प्रतिष्ठित। जब हम अब्दुल हक खड़ी के अर्थों को मानते हैं तो उसका अर्थ है गवारू। इसके कई मत हैं, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है यह कहना बहुत ही कठिन है। इसी प्रकार जब हम खड़ी बोली पद का भाषा विशेष के अर्थों में 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में लल्लू लाल जी, कवि सदन मिश्र, गिलक्राइस्ट आदि द्वारा जब इतने प्रकार के व्याख्याएं दी गई, और भोजपुरी, मैथिली, अवधी के भिन्न भिन्न कवियों द्वारा अनेक प्रकार की व्याख्याएं की गई, तो यह बताना कि खड़ी बोली किस कारणवश पड़ा होगा यह स्पष्ट नहीं है। पर भाषा वैज्ञानिकों की पुस्तकों में दिल्ली मेरठ के निकट ग्राम समुदाय की बोलचाली की भाषा को खड़ी बोली पद का नाम दिया गया। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदान वाला भाग, अंबाला, कलशिया और पटियाला के पूर्व वाला भाग तथा रामपुर, मुरादाबाद आदि के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को खड़ी बोली कहा गया। बांगरू, जाटवी या हरियाणवी, एक प्रकार से पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली ही है, जो दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा और जींद के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। इस समय यह स्पष्ट होता है कि खड़ी बोली का अर्थ या किस कारणवश इसका नाम पड़ा यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। मूलतः जब हम खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप की बात करते हैं तो इसका एक रोचक तथ्य यह भी है कि खड़ी बोली को आरंभिक काल के बारे में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इसका खड़ी बोली का आरंभ 19वीं या 20वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि जब हम आरंभ से देखते हैं तो खड़ी बोली का इतिहास उतना ही पुराना है जितना ब्रज और अवधि का है, जिस समय मुसलमान आक्रमणकारियों को भी व्यवहारिक लालचवश यह बोली सीखनी पड़ी, क्योंकि प्रशासनिक और सांस्कृतिक भाषा के रूप में तो उन्होंने फारसी को अपना लिया, लेकिन अपनी दैनिक व्यवहार की भाषाओं के लिए उन्हें दिल्ली के आसपास वाली बोली को सीखना पड़ा, क्योंकि वह सभी व्यक्तियों को फारसी या अरबी सीखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम अमीर खुसरो ने देहलवी और
इसे इफ्तार की जुबान और अब्दुल फजल ने देहलवी कहा है, तो स्वाभाविक ही था कि इसके बाद वो शासकों और मुसलमानों द्वारा बोले जाने वाली अरबी फारसी शब्दों को सीखकर उसके निकट और प्राप्त कर दी। जब अनेक स्थान के कवियों द्वारा ब्रजभाषा और अवधी का प्रयोग अपने साहित्य के लिए किया गया था, तो हमने देखा था कि उनमें उन्होंने अपने क्षेत्र की कुछ विशेषताओं को या उसमें प्रयोग होने वाले शब्दों को उनमें मिलावट कर दी थी। इसी प्रकार जब खड़ी बोली या देहरवी का प्रयोग होना आरंभ हुआ होगा, तो यह संभवतः है जब अन्य मुसलमान कवियों ने फारसी और कवि फारसी भाषा के शब्दों को इसमें मिला दिया होगा। इसी प्रकार दो जातियों और भाषाओं के संपर्क के मेलजोल से धीरे धीरे एक नई भाषा विकसित होने लगी, जिसे समय समय पर हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी आदि का नाम दिया गया। जब खड़ी बोली के आरंभिक काल में देखते हैं, तो दक्कनी हिंदी का निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है, और साथ साथ उर्दू भाषा तथा हिंदी कविताओं की दो नई शैलियों का प्रचलन भी आरंभ हुआ। ये कौन सी दो नई शैलियां थी तथा किस प्रकार उर्दू भाषा का निर्माण उस समय में आरंभ हुआ, यह एक रोचक तथ्य है। जब हम देखते हैं कि 14वीं-15वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा जब आक्रमण किया गया था तथा उन्होंने दक्कन की तरफ जब जाना आरंभ किया था, तो वहां की भाषा संस्कृति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और उत्तरी भारत की भाषा वहां तक फैलने लगी, और उनके अंदर एक अधिकांश वह बच जाने वाले मराठी तेलुगु के संपर्क में आने से थोड़ा नया रूप बन गया, जो 14वीं शताब्दी से इस भाषा में जिसे हिंदी, हिंदवी और दक्कनी का नाम दिया गया, काव्य रचना आरंभ हो गई। जब हम बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं, इसमें इसका विशेष योगदान है। बहमनी के बाद जो स्थापित आदिलशाही और कुतुबशाही राजवंशों के संरक्षण में भाषा का धर्म और प्रचार हुआ, और उसमें साहित्य की भाषा के रूप में अभूतपूर्व विकास हुआ। दक्कन में काव्य रचना के दौर 17वीं शताब्दी के अंत तक चलता रहा, किंतु दक्षिण में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली अथवा दिल्ली के आसपास की भाषा का अभूतपूर्व विकास हुआ। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर उत्तर भारत के इस बोली को कविताओं की भाषा बनाने का प्रथम श्रेय प्रसिद्ध सूफी संत शेख फरीद गंज शंकर को दिया जाता है। फरीद गंज शंकर के बाद इस बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग करने का दूसरा महत्वपूर्ण कवि अमीर खुसरो को माना जाता है, जिन्होंने हिंदी अथवा हिंदी में पहेलियां, मुखरियों और देशुखुन लिखे थे। अमीर खुसरो के समकालीन दक्कनी हिंदी के कवियों में महाराष्ट्र के दामोदर पंडित, संत नामदास, संत ज्ञानेश्वर गोदाबाई और प्रसिद्ध सूफी संत शेख सरफुद्दीन आदि कलंदर आदि के नाम लिए जाते हैं। मुसलमानों के दक्षिण में प्रवेश और प्रसार से दक्षिण भारत में हिंदी का जो रूप विकसित हुआ था, उसकी ही एक झलक संत कवियों की भाषा में देखने के लिए मिलती है। उत्तर से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के साथ वो दक्षिण में पहुंचे थे। बहमनी साम्राज्य में मुसलमानों की अल्पता होने के कारण उन्होंने मुसलमानों को अपने राज्य में रहने के लिए बुलाया, जिसके कारण वहां की भाषा उनकी भाषा के साथ घुली मिली, और साथ साथ अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सूफी कवियों को, सूफी संतों को दिल्ली से उसके आसपास या बोले जाने वाली आधारित दिक्कनी हिंदी के काव्य रचना के लिए कहा, जहाँ के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा बंदा नवाज गेशुदास ने दिल्ली से गुलमर्ग पहुंचे। गुलमर्ग कर्नाटक में स्थित है। वहां रहकर उन्होंने सूफी मत का प्रचार किया, और इसी क्रम में उन्होंने हिंदी या दक्कनी हिंदी में चक्कीनामा और मेराज नामा नामक दो काव्य पुस्तकें लिखी। बंदा नवाज की परंपरा में ही बहमनी राज्य की छत्र छाया में सैयद मोहम्मद अकबर, हुसैन शाह, हुसैन निजाम शाह, सदरुद्दीन शाह, मीराजी अशरफ मुस्तफाक आदि जैसे अनेक सूफी संत कवियों ने दक्कनी हिंदी में धर्म भावनाओं और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए या उनका प्रचार करने के लिए काव्य रचनाएं का निर्माण किया। बहमनी राज्य की समाप्ति और आदिलशाही, कुतुबशाही, निजामशाही आदि राजवंशों की स्थापना के बाद भी यह इसी सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। जब वजही ने दक्कनी हिंदी कविता को एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि वजी सूफी संत
काव्य भाषा में दक्कनी हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि है। उन्होंने कुतुब मुस्तरी और सबरस नामक पुस्तकें लिखी। वजही के समकालीन कवियों में मीर हुसैन, अफजल मुल्ला, गावशी, मुकलिम, अब्दुल कुतुब आदि जैसे अनेक उल्लेखनीय कवि आते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब दक्कनी कविताओं में निशांत, मीरा हाशी, इस्तियारी, मोहम्मद अमीम आदि जैसों का नाम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि दक्कनी हिंदी में अधिकता संत सूफी कवियों की है जिन्होंने उस समय धर्म प्रचार के लिए बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया था। दक्कनी हिंदी की काव्य धारा के अंतिम महान कवि वली मोहम्मद हुए माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने वली को ही उर्दू का आदि कवि भी माना है। वली के बाद भी मोहम्मद फरीक, शाह चुराग चिश्ती, अफशर आशिक, शाह मीर आदि जैसे अनेक हिंदी दक्कनी हिंदी के काव्य की रचना करते रहे। इसके बाद दक्कनी हिंदी काव्य धारा का आवास उत्तर उर्दू साहित्य में हो गया। यह आश्चर्य की बात है कि उत्तर भारत में कविताओं की भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो के लगभग 400 साल बाद 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। उसी समय तक भाषा के रूप में उर्दू का नामकरण भी हो चुका था। भाषा की अर्थों में उर्दू का प्रचलन में आना का एक इतिहास है। जब हम 1648 की बात करते हैं, जहां शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर दिल्ली कर दी थी, तो उन्होंने शाहजहांनाबाद नामक एक नई दिल्ली को बसाया था और वहीं पर बादशाह और बेगम के लिए एक बाजार लगाया जाता था जिसका नाम उर्दूए मुआला था। उर्दूए मुआला की उसे संज्ञा दी गई थी। उर्दूए मुआला को ही खड़ी बोली ब्रजभाषा फारसी के मेलजोल से जो भाषा विकसित हुई थी उसे उर्दूए मुआला कहा जाने लगा और लगभग 50 वर्षों तक इसमें किसी साहित्य की रचना नहीं हुई। इस उर्दू के साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक उर्दू वह भी थी जिसका निर्माण दो जातियों की भाषा के मिलने के कारण हुआ था, जिसमें अरबी फारसी के साथ साथ तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया जाता था, जिसे हिंदी और हिंदुस्तानी में विभाजित किया गया था। वल्ही औरंगजेब से प्रेरणा ग्रहण कर उस समय श्रेष्ठ शिष्य मुसलमान कवि में जवान उर्दू ए मुआला को शायरी के रूप में अपनाया और यह भाषा उसके बाद उर्दू भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई। जब दक्कनी में अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग को कम होता हुआ देखते हैं और दक्कनी पूर्व में उत्तत्सम और तद्भव शब्दों को निकालकर बाहर करना तथा अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग आरंभ शुरू हो गया था। उसी समय वजही, कुतुब, गावसी आदि की भाषा में नहीं यह बात नहीं दिखाई पड़ती और वली औरंगजेब के साथ खड़ी बोली कविताओं में एक नया मोड़ लेकर आ गए थे। डॉक्टर आजाद हुसैन के अनुसार वली ने दिल्ली में आकर यहाँ की जवान है को इतना असर लिया कि दक्कनी जवान और मुहावरों को कम करने के लिए दिल्ली की जवान और मुहावरों को उन्होंने अपने काव्य में इस प्रकार प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तानी लफज और मुकामी असर जो उर्दू जबान में आ रहे थे वह कम होने लगे और फारसी लफज और कल्पनाएं ज्यादा आने लगी जो जोर के साथ उर्दू में दाखिल होने लगी, जो कि दिल्ली के समय उस वक्त शायरी के लिए उर्दू का प्रयोग होता था। इसका नतीजा यह हुआ कि कल्पना के ढंग और बयान के तर्ज दोनों में फारसी का असर आता हुआ दिखने लगा। गर्ज यह थी कि खड़ी बोली कविता में अरबी फारसी शब्द समास मुहावरों में समृद्धि की जाने लगी और काव्य भाषा की नींव डली वह वली की कविताओं से पूर्णता पर पहुंच गई और एक प्रकार वली ने उर्दू कविताओं का जन्म हो गया। वली के साथ ही साफ तौर पर हिंदी कविताओं की दो शैलियों का प्रचलित हुई, एक थी जो अरबी फारसी के शब्द समास मुहावरे छंद और काव्य रूप से युक्त थी और दूसरी थी वह जो हिंदी के तद्भव शब्दों अरबी फारसी या तुर्की के बोलचाल में प्रचलित तथा अर्थ और उच्चारण की दृष्टि से सरल तत्सम शब्दों की बोलचाल के मुहावरों और कहावतों तथा भारतीय जीवन और परंपराओं से जुड़ी हुई थी। स्वयं वली ने भी इन दोनों शैलियों में रचनाएं की हैं। इस
इनमें से पहली शैली उर्दू के नाम से प्रचलित हुई, जिसके प्रमुख कवि आबरू नाजिम, मजमून, हातिफ, मजहर, मीर, हसन, ईशा आदि को माना गया है, जो कि 17 से 18 ईस्वी के आसपास माने जाते हैं। यद्यपि ये उर्दू यानी उर्दू एवं मुगला के कवि थे, पर इसमें से कई कवियों की अनेक कविताएं पूर्ववर्ती हिंदी कविताओं में भी देखने के लिए मिलती है। इन कविताओं में अरबी, फारसी शब्द और मुहावरों के प्रयोग के बावजूद भी हिंदी के तत्सम शब्दों का बहिष्कार नहीं किया गया था। ऐसी कवियों में आबरू, नाजी, यकरंग, आजम, फूंग, फूंगा, मजहर, सोदा, हसन, ईसा जैसे कवियों का नाम आता है। तो हम कह सकते हैं कि वही 16वीं 17वीं शताब्दी तक आते आते उर्दू भाषा में शायरियों का निर्माण होना आरंभ हुआ और दो नई शैलियां प्रारंभ हुई, जिसमें एक में सिर्फ उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जहां दूसरे में पूर्ववर्ती हिंदी के प्रयोग के साथ साथ अरबी, फारसी, मुहावरे और तद्भव तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया जाता था, जिसे पहले हिंदुस्तानी नाम दिया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनसरकारी।